सोशल मीडिया पर अक्सर ये बहस चलती रहती है, ध्रुव राठी वर्सेस एलविस यादव, लेकिन आप सब जानते के ध्रुव राठी किस तरह का कंटेंट बनाता है और एलविस यादव किस तरह का कंटेंट बनाता है। जो लोग ध्रुव राठी को देख रहे होंगे वो कैसे बनेंगे और जो लोग एलविस यादव को देख रहे होंगे वो कैसे बनेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अब, जो यूट्यूब पर अश्लीलता फैला रही थी लड़की जिसका चैनल का नाम था कुंवारी बेगम। अगर एलविस यादव जैसे क्रिएटर को देखेंगे तो बच्चे यही सब सीखेंगे। अब आप सोचकर देखिए कि कुंवारी बेगम नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली इस लड़की की उम्र महज 23 साल है और नौकरी जाने के बाद अपने यूट्यूब पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए इसने अश्लील कंटेंट डाला और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, एलविस यादव और ध्रुव राठी में यही जमीन आसमान का अंतर है जो कि आपको समझना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके बच्चे मोबाइल पर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़की के माता पिता को क्या ये नहीं पता था कि आखिरकार हमारी लड़की सोशल मीडिया पर कैसी वीडियोस बना रही है, क्या डाल रही है, क्या अपलोड कर रही है। क्योंकि आप सोचिए कि जिसके माता पिता इंजीनियर और टीचर हो, उनकी लड़की कैसा कंटेंट बनाकर डाल रही है, ये बेहद शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम यूट्यूबर शिखा मैत्रेय की, जिन्होंने के अपने यूट्यूब चैनल कुंवारी बेगम पर 115 वीडियो अपलोड किए थे। इनमें से अधिकांश अश्लील कंटेंट है। शिखा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अश्लील कंटेंट डालती थी, वीडियो में नवजात बच्चों के साथ गंदा काम करने के लिए उकसाती थी। पुलिस जांच में ये बातें पता चली है। एक एनजीओ की फाउंडर की शिकायत पर पुलिस ने 13 जून को शिखा मैत्रेय को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उसने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया, काफी कंटेंट को हटा भी दिया। पुलिस अब उसके मोबाइल और लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजेगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। 23 साल की शिखा मैत्रेय गाजियाबाद के इंदरगढ़ी की रहने वाली है। शिखा ने 2021-22 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। कालका जी में एक ई कॉमर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रही थी। शिखा के पिता गाजियाबाद के स्कूल में टीचर है, माँ गुरुग्राम की कंपनी में इंजीनियर है, छोटी बहन 12वीं की पढ़ाई कर रही है। इन सब के अलावा शिखा पेशेवर से ऑनलाइन गेमर है। शिखा ने कुछ समय तक बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की थी। कोरोना के कुछ वक्त बाद ही जॉब छूट गई, वो गाजियाबाद लौट आई। फिर उसने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। यह चैनल उसने 2012 में बनाया था। पहले गेमिंग वीडियो अपलोड करती थी लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। फिर चैनल का नाम बदलकर कुंवारी बेगम कर दिया। यौन शोषण से संबंधित कंटेंट डालने लगी। सिर्फ 3 महीने के अंदर 2000 फॉलोअर्स भी पहुंच गए। एकम न्याय फाउंडेशन गुरुग्राम की फाउंडर दीपिका नारायण भारद्वाज को पिछले दिनों पता चला कि कुंवारी बेगम नाम से एक गेमिंग यूट्यूब चैनल चलाने वाली महिला नाबालिग और नवजात बच्चों से गंदा काम करने के लिए उकसा रही है। उन्होंने 12 जून को गाजियाबाद के थाना कौसाम्बी में आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई। अगले ही दिन 13 जून को पुलिस ने शिखा को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। गिरफ्तारी से पहले शिखा ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया और बहुत सारी वीडियोस को डिलीट भी कर दिया। पुलिस जांच के मुताबिक शिखा ने चैनल को डिलीट कर दिया है या फिर प्राइवेसी लगा दी है ताकि किसी को चैनल ना दिखे और ना ही वीडियो दिख सके। हालांकि उसके एक चैनल का एक स्क्रीनशॉट और एक वीडियो सामने आया है। स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि शिखा के यूट्यूब अकाउंट पर 2000 फॉलोअर्स थे और जो भी वीडियो अपलोड किए थे इनमें से अधिकांश अश्लील कंटेंट है। वीडियो में शिखा एक युवक से अश्लील बातें कर रही है, उसे बद्दी सलाह भी दे रही है और इसी कारण उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शिखा के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67A 67B में मुकदमा दर्ज किया था। इन दोनों धाराओं में 7 साल या इससे कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए कोर्ट ने शिखा को 13 जून को ही अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या खेल चल रहा है। और उन माता पिता के लिए भी यह कड़ा संदेश है जो लोग अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल तो पकड़ा देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो लोग क्या देख रहे हैं। और इसी का असर है कि शिखा मैत्रेय जैसी यूट्यूबर ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है जिसके बाद उनको खुद भी पछताना पड़ता है।